अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप्स हो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आप लोगों की तरफ से हमारे लिए सपोर्ट होता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, मूव टूवर्ड्स अ वीडियो, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सॉफ्ट बोर्ड के डेकोरेशन के आइडियाज़, किस तरह से आप बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ चीज़ें बाज़ार से जो है वो स्टिकर्स वगैरह जो है वो आप लोग एनिमल्स के, फ्लावर्स के, या किसी भी तरह के स्टिकर्स लेके बाकी की जो ये जो फ्लावर्स, सनफ्लावर्स हैं, क्लाउड्स वगैरह हैं, बाउंड्री है, ये चार्ट्स लेके इनसे कटिंग करके आप लोग जो है वो बोर्ड पे पेस्ट करके तो एक बहुत ही अच्छी सी लुक क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो जाती है। यहाँ पे आप कॉर्नर्स बना सकते हैं क्लासरूम्स में, ये देखें स्टार्स के साथ और जो कार है उनके साथ कलरफुल सा एक कॉर्नर बना दिया गया है। उसके बाद बोर्ड के ऊपर कैटरपिलर की शेप में जो है वो देखें आप लोग 1-2 लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है। साइड पे एक मैंगो ट्री बना हुआ है, उस पे जो है वो अल्फ़ाबेट्स लेटर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और रूम के बोर्ड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटरपिलर की ही शेप है, लेकिन उस पर डेज के नेम मेंशन है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट रूम का सॉफ्ट बोर्ड है वो रेडी हो रहा है, उसके लिए हरूफ़े तहजी जो है वो फ्लावर के ऊपर लिखे गए हैं। ये मतलब सारे थीमेटिक बोर्ड हैं, सारे स्टडी से रिलीवेंट बोर्ड है। नेक्स्ट हमारा ये बोर्ड है, इस पर भी इंग्लिश के रूट लेटर्स और स्काई लेटर्स जो है वो लिखे गए हैं, ताकि बच्चों को पता चले कौन से रूट्स लेटर हैं और कौन से स्काई लेटर्स हैं। ये हमारे रूम्स का सारा जो है वो डेकोर और बोर्ड्स वगैरह जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं फिर उसके बाद कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स के जो बोर्ड होते हैं उस पे आप स्टडी से रेलिवेंट कोई मतलब थीम ना दें, लेकिन जो है वो किसी तरह का, जिस तरह से यहाँ पे लेडीबग का एक थीम दिया गया है, उसके बाद बीज का जो है वो थीम दिया गया है, तो आप किसी भी तरह का थीम जो है कॉरिडोर में अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को आप लोग जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे नेक्स्ट जो दो कॉरिडोर के बोर्ड्स हैं बिल्कुल फ्रंट पे आते हैं, जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो उसके लिए हम लोग जो है कुछ मटेरियल काट रहे हैं। साथ में यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो कटिंग किए हैं पेटल्स के साथ डिफरेंट कंट्रास्ट में, ताकि ये बोर्ड पे पेस्ट किया जाएगा उसके बाद। और फिर जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फ्रंट जो आपका आ जाता है बिल्कुल जो एंट्रेंस है आपकी, वहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये उसका बोर्ड था वेलकम टू प्री स्कूल, और उन्हीं फ्लावर्स के साथ रेनबो टाइप जो है वो बनाई गई है क्लाउड्स और बटरफ्लाई के साथ। यहाँ पे नेक्स्ट, उससे आगे नेक्स्ट एक बोर्ड है, उसको भी बड़ा कलरफुल सा जो है वो अट्रैक्टिव सा रेडी किया गया है, प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर। आप देख सकते हैं ब्लैक के साथ बाकी कलर्स का कंट्रास्ट, और जो है रैबिट्स वगैरह जो भी यहाँ पे पेश किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये पीजी का रूम जो है, प्ले ग्रुप बच्चों का, बेसिकली ये खेलने का, खेल खेल में ही वो लर्न करते हैं, तो इनका रूम जो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही नेचुरल लुक होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रास जो है उसको पेश किया गया है नेचुरल इफेक्ट देने के लिए। उसके बाद उनकी स्लाइड है, उनके खेलने के लिए बॉल्स वगैरह जो है वो रखे गए हैं, उसके बाद सोफ़ा सेटिंग है, उसके बाद छोटा सा बेड, फ्रिज और ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें भी जो हैं यहाँ पे थी, लेकिन वो अभी आनी थी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ इनके कॉर्नर्स, किस तरह से कॉर्नर्स में एप्पल्स के ऊपर जो है हरूफ़े तहजी लिखे हुए हैं, उसके बाद सारे एनिमल्स, रेनबो एक्सेट्रा एक्सेट्रा पेश की गई है। उसके बाद यहाँ पर फिश का देखें कितना अच्छा थीम लग रहा है, कम स्विम इन द स्कूल टू सक्सेस। यहाँ पे देखें सारी वॉल्स पे डिफरेंट कलर की फिश, टोपस, छोटी बड़ी सारी फिश लगाई गई हैं। तो ये थी आज की वीडियो, होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखें।